हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच सरलीकरण का पार्ट 5 वीडियो चलेगा। इससे पहले आपका पार्ट 1 से पार्ट 4 तक वीडियो दे चुका हूं। आइए हम लोग पार्ट 5 में समझते हैं। पार्ट 5 समझने से पहले दोस्तों, जो भी न्यू व्यूअर हैं, अगर आप मेरा पूर्णतः वीडियो देखना चाहते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएँ। सबका हर वीडियो का प्ले लिस्ट तैयार कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो जहां आप वीडियो देख रहे हैं उसके कोना में हच मुकेश मैथ ट्रिक ब्लू कलर से लिखा होगा। आप उस पर टच करें, सारा फाइल फोल्डर खुल जाएगा, आप उस पर वीडियो देख सकते हैं। या नहीं तो आपका देखिए, यहां पर आपका जब वीडियो देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे, इसके कोना पर, वीडियो के जस्ट इस कोना उस साइड में आपका इस तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। इसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और इसको यह इस टाइप से है। जब आप इसको टच करेंगे, यह आपका इसे इस तरह से खुल जाएगा। इसे इसका ये नोक जो नीचे था, अब यह नोक जो है ऊपर चले जाएगा। जब ऊपर चल जाएगा तो आपका ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और नीचे पर आपका जो है, आपका जैसे सरलीकरण चल रहा है उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो का 4 तक का आपका लिंक दिया हुआ, या अन चैप्टर का भी उस जगह लिंक दिया रहता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के सहायता से भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको टाइप वाइज ही चला रहे हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका जो है टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर लेंगे 173 से चलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173 का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 173 देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ए स्टार है लिखा हुआ, बी बराबर, फिर यहाँ पर ए गुना बी है, बटा है लिखा हुआ ए प्लस बी, फिर यहाँ पर 3 स्टार यहाँ पर इसे दिया हुआ है ब्रैकेट का है, फिर इस तरह से -1 है, फिर इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले दोस्तों बनाइए क्या, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, जो ब्रैकेट वाला रहे उसको पहले लेंगे। ब्रैकेट में जो है कौन सा है, ए है, यह जो हुआ ए हुआ और ए हुआ, ए जो हुआ ये ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बी का। ए का मान 3, अब बी का मान कितना हो गया, -1। इसको अगर हल करना चाहेंगे तो ए का मान 3 हो गया, बी का मान -1 हो गया, ए प्लस बी। तो 3 यहाँ देखिए, ए का मान 3 और प्लस का जगह प्लस ही देंगे, लेकिन यहाँ -1 है, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3/2 इसको घटा देंगे, 1.5 हो जाएगा। आप समझेंगे इसको, यहाँ पर इसको जब गुना कर दिया -3 तो यहाँ माइनस भी 1.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा का वैल्यू निकला -1.5, -1.5 निकला। अब देखिए, अब ए का काम करेगा 3, ए का काम कौन करेगा यहाँ पर 3, ए का काम करेगा 3 ले लीजिए। अब बी का कौन काम करेगा, माइनस माइनस 1.5। अब इसी इसी पर सेट कीजिए, जैसा दिया रहे वैसा सेट करना। ए का मान 3, इसका मान -1.5। अब देखिए ए का मान 3 है, माइनस है 1.5। अब इसको हल करेंगे तो 3 गुना -1.5 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए, इसको घटा दें, 3 में से 1.5 घटा दीजिए, आपको 1.5 बचेगा, घटा देंगे कट गया, यहाँ तक माइनस माइनस लिख देंगे, 3 गुना माइनस क्या हो जाएगा, -3। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा -3, ऑप्शन मिला लें। आइए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ए नंबर। उम्मीद है यह क्वेश्चन समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन इसी तरह से बनाए, यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, रेलवे NTPC चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम देते हो। दोस्तों आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और हम लगातार वीडियो जो है डालते रहेंगे। चलिए तब तक हम अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, 174। आइए क्वेश्चन हम लोग 74 देखते हैं। 174 में देखिए क्या कह रहा है, समझेंगे ध्यान से, कि यहाँ पर ए स्टार बी दिया हुआ है, बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस 2B दिया हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है 4 स्टार आपका 3 स्टार पी है और बराबर 50 हो। तो तब कह रहा है कि पी का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, पी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। आपका क्वेश्चन देखिए बोर्ड के बगल में लिखा रहेगा, आप बोर्ड में क्वेश्चन देखिए और इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से हल करेंगे। उसी तरह आपका ए स्क्वायर प्लस 2B दिया हो, ए स्क्वायर क्या था, 2B, ठीक है। अब पहले इसके ब्रैकेट का क्रिया कीजिए, इसका मान ए का मान 3 हो गया, बी का मान पी हो गया, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर 3 * 9, ए का मान 3 * 3 * 9, 2 * b, बी का मान यहाँ पी है, तो कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। अभी पूरा का मान निकला 9 + 2P। अब देखिए इसका मान जो है, अब ए का मान होगा 4, अब बी का मान हो जाएगा 9 + 2P। अब इसको अगर हल करेंगे ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2P हो गया इसका, 9 + 2P, इतना बराबर आपका दिया हुआ था 50, अब कर दीजिए 50 क्योंकि इसको हल करना होगा। अब देखिए 4 * 16 प्लस 9 * 18 हो जाएगा, 2 * 4P बराबर 50, इसको जोड़ देंगे 8 * 6 = 34 हो जाएगा प्लस 4P बराबर 50। अब 4P बराबर यह इस पार जाके घट जाएगा तो 16 हो जाएगा,
इसको पी चार बार में कट गया तो पी का मान कितना निकला, चार। इसका आंसर होगा चार होगा, ऑप्शन आप मिला लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो? ए होगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ होगा कैसे के, एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले इसका ब्रैकेट का क्रिया, पहले थ्री धरेंगे ए का मान, अब बी का मान धरेंगे कितना पी, अब ए स्क्वायर तीन तियानो, बी बी का मान पी है, पी पी यहाँ बी की जगह पी धरेंगे, टू गुना पी टू पी। अब ये पूरा जो बन गया, अब यह क्या बन गया इसका थ्री स्टार पी का इतना हो गया नाइन प्लस टू पी। अब यह बी बन गया, यह क्या है ए है, यह अब ए की चार, इसका बी का मान इतना धरिए, बस फिर इसी पर सेट करना, ए स्क्वायर प्लस टू ए पर मान धर दीजिए, सेट कर दीजिए, इतना बड़ा पचास सा कटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 लेते हैं, समझेंगे 175 में क्या कर रहा था। एक्स स्टार वाई अब बराबर लिखा हुआ है थ्री एक्स प्लस टू वाई, थ्री एक्स प्लस टू यहाँ पर वाई है, लिख दीजिए टू वाई बराबर, तब है थ्री स्टार टू स्टार थ्री प्लस थ्री स्टार फोर दिया हुआ है। अब समझिए, अब इसका मान पहले हम इसका मान धरेंगे, फिर इसका मान अलग अलग धरेंगे, इसका मान टू धरिए, इसका वाई का मान थ्री धरेंगे, यहाँ एक्स का मान टू धरिए, तो यहाँ पर देखिए इसका मान टू धरेंगे, तीन दुना छः हो जाएगा, इसका मान वाई का मान तीन धरेंगे, तीन यहाँ वाई का मान तीन धरिए कितना हो जाएगा, तीन दुना छः, छः छः कितना हो गया, बारह हो गया, समझिए होंगे। अब इसका मान धरिए यहाँ पर, एक्स का मान धरेंगे तीन, वाई का मान चार, एक्स का मान तीन, तीन दिया नौ प्लस वाई का मान चार, चार दुना आठ, ये दोनों को जोड़िए नौ आठ सत्रह। अब इसका वैल्यू निकल गया आपका बारह, इसका वैल्यू निकल गया सत्रह, ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाए सत्रह बारह उनतीस आंसर, यहाँ पर जोड़ दीजिए प्लस कर देंगे, सत्रह और बारह कितना आंसर होगा इसका उनतीस हो जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझेंगे, अलग अलग स्टेप इसको करना होगा। चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं क्या कर रहा है, समझेंगे। एक्स स्टार वाई बराबर दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बट है लिखा हुआ वाई हो, तो तब इसका क्या कर रहा है थ्री टू स्टार थ्री, फिर यहाँ पर दिया स्टार, यहाँ पर फोर दिया इसका मान। सबसे पहले भी बताया आपको ब्रैकेट का क्रिया करना, ऐसा क्वेश्चन ब्रैकेट वाला लेंगे, एक्स का मान टू वाई का मान थ्री, अब धरी यहाँ पर एक्स का मान टू वाई का मान थ्री बट वाई, वाई का मान कितना है थ्री, तीन दो पाँच हो गया, पाँच बटा कितना हो जाए तीन हो जाएगा, यह जो निकला पाँच बटा तीन। अब जब पाँच बटा यह तीन निकल गया, हम लोग यहाँ पर इसको धर देंगे पाँच बटा तीन, यहाँ पर धर दीजिए। अब पाँच बटा तीन जब यहाँ पर हो गया आपका, तो इसका वाई का मान कितना है फोर धर देंगे। अब एक्स का मान पाँच बटा तीन, वाई का मान फोर, बटा कितना, वाई का मान कितना है फोर, अब चार दुना आठ, आठ पाँच कितना हो गया तेरह, तेरह बटा कितना हो जाएगा चार दुना आठ हो गया, चार तिया बारह, बारह पाँच सत्रह होगा, चार तिया बारह पाँच सत्रह, सत्रह बटा तीन बटा चार, यह उलट कर गुना हो जाएगा, सत्रह बटा चार तिया बारह आंसर हो जाएगा, सत्रह बटा कितना हो जाएगा बारह, समझेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या होगा पाँच बटा तीन होगा, क्योंकि हम यहाँ वाई का मान थ्री है तो थ्री लीजिएगा पाँच बटा तीन, अब पाँच बटा तीन वाई का मान चार, बस इसको सेट कर दीजिए, आपका चार दिया बारह पाँच कितना सत्रह बटा तीन, फिर यहाँ पर बटा चार, या नीचे नीचे जो गुना हो जाएगा तो सत्रह बटा बारह इसका आंसर होगा। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 177 होगा, 177 समझेंगे कि स्टार ए दिया हुआ है बराबर, फिर लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस टू, तब यहाँ पर कह रहा है कि हो तो स्टार, फिर स्टार फाइव का मान क्या, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब स्टार का मान पहले हम लोग फाइव धरेंगे, फाइव धरिए, पाँच का स्क्वायर पच्चीस घटा टू बराबर तेईस हो गया, इसका मान क्या निकला, इसका मान वैल्यू निकल गया तेईस। अब फिर स्टार का मान तेईस धरेंगे, और तेईस धरिए स्टार तेईस का स्क्वायर पाँच सौ उनतीस, क्योंकि स्क्वायर है तेईस का स्क्वायर पाँच सौ उनतीस घटा टू, तो पाँच सौ सत्ताईस इसका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझेंगे, पहले आप ब्रैकेट वाला कैसा क्वेश्चन आपको बताएं, पहले ब्रैकेट वाला क्लियर कीजिए, ब्रैकेट करने के बाद जो है फिर जो वैल्यू निकला यह जो आपका निकल गया, फिर इसका मान यहाँ धर देंगे, यहाँ ए स्क्वायर है, जब भी देखना ऊपर लगा ए स्क्वायर है, तो आपका तेईस का स्क्वायर पाँच सौ उनतीस घटा दो कर दीजिए तो पाँच सौ सत्ताईस का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 समझते हैं, 177 हो गया 78 समझेंगे। देखिए ए स्टार बी बराबर लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, हो तो तब कराए टू स्टार थ्री का वैल्यू क्या होगा, यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो देखिए इसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, वही कीजिए, इसका ए का मान हो गया टू, बी का मान थ्री हो गया, ए स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए, ए स्क्वायर दो दुना चार, ए बी तीन दुना छः, बी स्क्वायर तीन का स्क्वायर तीन तिया नौ, छः चार दस नौ उन्नीस इसका आंसर हो गया। समझोगे इस क्वेश्चन को, आपका ए का मान दो बी का मान तीन, ए का मान दो बी का मान जब तीन लिए, अब इसको हल कर दीजिए, कैसे हल किए, देखिए ए स्क्वायर दो दुना चार ए बी है, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ, ऐसे कीजिए तीन दुना छः, बी स्क्वायर बी का मान तीन है, तीन तिया नौ जोड़ देंगे छः चार दस नौ उन्नीस इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 179 देखते हैं, 78 तक हो गया, 179 देखिए क्या कह रहा है। ए स्टार
बी बराबर दिया हुआ है 2 × a + b है, तब यहाँ कहता है 5 * 2 का वैल्यू लेने के, इसका मान ले लेंगे 5, इसका मान 2। चलिए 2 × a + b, ए प्लस बी हो गया इसका 5 + 2, 5 × 2 = 7, 2 = 14 हो जाए, 5 + 5 = 7, 7 × 2 = 14, इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं। उम्मीद है यह क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये सिंपल ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, 180 में क्या कर रहा है, a * b दिया हुआ है बराबर a + b + ab, फिर 3 * 4 इसको मान दे दीजिए -2 * 3 दिया। देखिए पहले वही कीजिए, पहले आप इसका हल कीजिए, फिर इसका तब माइनस घटा दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। इसका मान 3 है, y का मान 4 है, हल कीजिए इसका, a का मान 3, तो 3 + 4 + 3 × 4, 4 × 3 = 12, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 16, 3 × 19 हो जाएगा। अब इसका मान धरेंगे या 2, इसका मान कितना धरेंगे 3, हल करेंगे यहाँ पर, इसका हो जाएगा 2 + 3, 3 × 2 = 6, आपका 3 × 2 = 5, 6 × 5 = 11 हो गया। यहाँ पर इसका मान तो आप समझिए कितना निकला, 19, इसका मान कितना निकला 11, अब माइनस है तो आप इसमें घटा दीजिए, तो घटा दीजिए 8, तो 19 में 11 घटा दें, इसका आंसर क्या हो, 8, ऑप्शन नंबर बी। समझेंगे इस क्वेश्चन का, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 लेते हैं। 181 में देखिए क्या कह रहा था आपका, x * y बराबर x² + y² + xy + 1, फिर यहाँ पर 1 * दिया हुआ 2, फिर * 3 दिया हुआ है। अब x का मान 1 लेंगे, y का मान 2 लेंगे, x² 1 का स्क्वायर ये 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, xy और 2 × 1 करेंगे 2n हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और +1, अब जोड़िए 4 × 2 = 6, 2 = 8 हो गया। अब इसका मान तो निकल गया 8, अब इसका मान 8 रख देंगे, * फिर इसका y का मान 3 धरिए, फिर इसको हल कीजिए, आई x का मान हो गया यहाँ पर 8, 8 का स्क्वायर 8 × 64, 3 × 3 = 9, xy 8 × 24, क्योंकि x * 8 = 24 + 1, जोड़ देंगे आपका, जोड़ दीजिए यह 10 हो गया, 34 हो गया, फिर चौथी यहाँ पर देख लीजिए 10 = 34, 34 को जोड़ दीजिए इसको, 8 हो जाएगा, 98, इसका आंसर हो जाएगा आपका 98, ऑप्शन मिला लीजिए, इसका आंसर होगा 98, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ में आया हो, क्या किए इसको, मान रख दीजिए इसका दोनों का सेम ऊपर की तरह किए, फिर जो 8 निकला, फिर 8 हो गया, x का मान y का मान 3 हो गया, फिर मान बैठा कर रख दीजिए आंसर में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x का मान 8 था, 8 × 64, y का मान 3, 3 × 3 = 9, x * y 8 × 24 + 1, जोड़ दीजिए 98, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं। 182 में क्या कह रहा है कि वही x है, फिर स्टार है, y बराबर आपका लिखा हुआ है x + y² × y y - 2 दिया हुआ है, तब 7 है, x का मान 7, इसका मान y का मान 5 है, कहता है इसको हल करने के लिए। देखिए आप आसानी सर्च कर सकते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस कीजिए, यहाँ पर क्या था, y माइनस 2 था, देख लीजिए y माइनस 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर था आपको दिया हुआ कि 7 * 5, इसका हल करने के लिए कह रहा था, ठीक है, इसको हल कीजिए, इसका मान 7 हो गया, तो 7 × 5 = 12, 12 हो गया, 7 × 5 = 12 का स्क्वायर, फिर यहाँ y का मान कितना है, 5 - 2 कर दीजिए, अब 7 × 5 = 12 का स्क्वायर 144, गुना इसको घटा देंगे 3 हो जाएगा, अब गुना कर देंगे 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 42, 1 = 43, 432 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझो ये साधारण सा कैलकुलेशन था, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब आगे का क्वेश्चन, आपका 182 तक ऐसा ही एक ही टाइप का जैसा क्वेश्चन दिया था, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। उम्मीद है ये टाइप का दोस्तों जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि रेलवे NTPC ग्रुप डी में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, आगामी एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा भी क्वेश्चन दोस्तों जानकारी नहीं रहे तो भारी हो जाता है, अगर जानकारी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आप छोटा भी क्वेश्चन जरूर पढ़िए, बड़ा भी लेके चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। 183 में क्या कर रहा है कि x - y³ है, y - z का होल क्यू है + z - x दिया, z - x³ x - y, y - z, z - x³ है, नीचे दिया हुआ x² - y² है, फिर नीचे दिया y² - z² है, और फिर प्लस है z² - x² दिया है, इसको कहता है सरल करने के लिए। देखिए आपका a³ + b³ + c³ के बराबर क्या होता है, 3 ABC होता है, यह कब लागू होता है, जब a + b + c = 0, x - y + y + z + z + x कर देंगे, यह तो 0 हो जाएगा, देखिए समझिए x - y और फिर + y - z,
वाई माइनस जेड है प्लस जेड माइनस एक्स है। यह देखिए वाई वाई कट गया, जेड जेड कट गया, एक्स एक्स कट गया, इसका तो जीरो हो गया, सारा कट गया। लेकिन ध्यान देना है आपको, जब कट जाता है तो तब क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होता है। इस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं, देखिए समझेंगे ध्यान से, इसको नोट में आप लोग कर लेंगे। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो पहला क्वेश्चन, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछेगा तो माइनस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है, इसको याद रखेंगे। दूसरा इसी में पूछता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, तो आपका 3ABC, यही हम लोग 3AQ प्लस बी क्यू यही लागू करेंगे, 3ABC को लागू करेंगे। और तीसरा होता है आपका कि ए पर पावर 4 बी पर पावर 4 सी पर पावर 4 बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इसका होता है। ध्यान रखिएगा, यदि आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो आपका ई इसका पूछेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो ये होगा, ये आपका ए फोर बी फोर प्लस सी फोर पूछेगा तो ये होगा। तो इससे दोस्तों आपका अलजेब्रा में ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपका पार्ट वन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अलजेब्रा का लिंक दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वह वीडियो आपका खुल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन, या नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को इसी आधार पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखिए समझिए ध्यान से, अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका यह इतना बराबर इतना कर दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो आपको बताएं 3ABC हो गया, तो एक्स वाई तो वाई जेड फिर आपका जेड एक्स हो गया, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नीचे भी करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो यहाँ भी तो नीचे भी होगा तो 3ABC होगा, 3ABC। अब ए बी ए यहाँ देखिए ए का मान जो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, ए का मान क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ। तो आप फॉर्मूला तो जानवे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, वही कर दीजिए इसका, तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी इसका हो गया, यहाँ 3ABC ए का हो गया, बी का मान वाई स्क्वायर माइनस जेड इसका इसका होगा वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, इसको समझे होंगे। एक्स प्लस वाई था तो एक्स माइनस यहाँ जेड दीजिएगा, एक्स माइनस जेड होगा, वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, फिर इसको हल करेंगे तो जेड माइनस एक्स फिर जेड प्लस एक्स हो जाएगा, तो इसको हल कर लीजिए। चलिए देखिए एक्स वाई को कटेगा, एक्स वाई जरूर कटेगा, आपका एक्स वाई आपका दिए एक्स माइनस क्या दिखा हुआ वाई, तो यहाँ एक्स माइनस वाई ले लीजिए, फिर यहाँ पर एक्स प्लस वाई होगा तो यहाँ पर क्या था एक्स प्लस वाई ले लीजिएगा, एक्स प्लस वाई लेंगे तो अब वाई जेड हो गया जेड एक्स, ठीक है। एक्स माइनस वाई कटा एक्स माइनस कटा, वाई माइनस जेड कट गया, जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स कट गया, अब थ्री थ्री भी कट गया, क्या बचा वन बटे एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड फिर जेड प्लस एक्स, समझेंगे दोस्तों इसको, इसका आंसर यही होगा, मिला लीजिए ऑप्शन डी। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या था कि एक्स माइनस वाई था तो एक्स इसका तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई फिर एक्स प्लस बी होगा। इस क्वेश्चन को इसी तरह बनाना, ये फॉर्मूला बस इतना समझे, आप इतना को चाहें तो आप मुझवानी भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी टिक मार सकते हैं। 3ABC 3ABC कट गया तो नीचे ऊपर सब माइनस होता है, नीचे इसका मतलब प्लस में आएगा, प्लस वाला सब मार दीजिए आंसर, समझेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 184 लेते हैं, देखेंगे लिखा हुआ है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, तब यहाँ पर कह रहा है ए स्क्वायर बटा आपका बी सी लिखा हुआ है, फिर प्लस है बी स्क्वायर बटा सी ए लिखा हुआ है, सी स्क्वायर बटा ए बी लिखा हुआ है। अभी आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ए बी सी हो गया, बी सी बी सी कट गया तो ए क्यू हो जाएगा, सी ए कट गया तो यहाँ पर बी क्यू हो जाएगा, ए बी कट गया तो यहाँ सी बचा तो सी का क्यू। अभी बताएं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3ABC, नीचे भी 3ABC हो गया, कट गया बराबर 3, ये 3ABC कैसे हुआ, एलसीएम लिए थे। इस क्वेश्चन को समझेंगे, फॉर्मूला याद रखें, बस सेट कर दे आराम से बन जाए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 185 देखते हैं, 185 नंबर समझेंगे। लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 4 है लिखा हुआ, फिर यहाँ पर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, फिर आपका तथा है लिखा हुआ, तथा जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36। एक बार दोस्तों क्वेश्चन फिर से मिला लें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 4 है दिया हुआ, प्लस जेड प्लस लिखा हुआ, फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 9, जेड प्लस एक्स होल माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36 हो, तो तब क्वेश्चन किसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कर रहा था निकालने के लिए। देखिए
एक दो तीन, तीन समीकरण हो गया, तीनों समीकरण को आप जोड़ने पर कर दीजिए, जोड़िए, जोड़िएगा तो डायरेक्टली जोड़ दीजिए, इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा। दोनों साइड का अगर इस साइड का आप हल कर दिए, उसके बाद आपका लिखा हुआ था माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस जेड स्क्वायर लिख दिए, इसका माइनस एक्स स्क्वायर लिखे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपको जेड स्क्वायर तब लिखिए, क्योंकि यह माइनस एक्स स्क्वायर था इसको। अब उस साइड का भी हम लोग जोड़ेंगे, आपका कितना है फोर है, फिर नाइन है, फिर कितना दिया है छत्तीस है, चलिए जोड़िए, अब जो कट रहा है कटा दीजिए, जेड स्क्वायर आपका ये कट गया, जेड स्क्वायर कटा देंगे, एक्स स्क्वायर भी कट गया, अब देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपका कट गया, क्या क्या बचा आपका देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर बचा, प्लस आपका टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड बचा, प्लस टू एक्स जेड बचा, बराबर आपको जोड़ेंगे तो ये उनचास, छत्तीस चार चालीस नौ उनचास हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बचा, बराबर उनचास हो गया। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, बराबर उनचास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर उनचास का वर्गमूल निकाल देंगे तो प्लस माइनस सात आंसर होगा, इसको ऑप्शन मिला लीजिए प्लस माइनस सात, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा परेशानी हुआ होगा, ये डायरेक्ट इतना क्या ले, इसका ये फॉर्मूला ही दोस्तों ये होता है, आप लोग याद रखेंगे, हम नोट में फॉर्मूला लिखना चाहेंगे इसका, कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए, यही फॉर्मूला होता है। तब ना आप इसका मान जीरो धरते हैं, ये जीरो हो गया, इधर का प्लस वाला इधर जाकर माइनस हो जाता है, माइनस टू इंटू ए बी बी सी प्लस सी, समझेंगे, यही फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला पर जो ये क्वेश्चन सेट किया गया था, यहाँ पर सेट था, तो अब इसका मान हम इतना लिख सकते हैं, लिख दें स्क्वायर हुआ तो उधर जाएगा तो आपको उनचास का रूप प्लस माइनस सेवन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, आपको ट्रिक बता देते हैं शॉर्टकट हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा रहे, आपका ऐसा लिखा रहे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर फिर आपका जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स वाई जेड का ही चर्चा रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करेंगे, इधर का तो जो है रहने दीजिए, आप उस साइड का जितना भी उस साइड को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर सिर्फ वर्गमूल कर दीजिए, उसका रूट चढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाए, डायरेक्ट आप इसका क्वेश्चन को मुझमान निकाल सकते थे। आपका यहाँ पर चार नौ आपका हो गया छत्तीस, चार चालीस नौ उनचास, उनचास का वर्गमूल कर दीजिए प्लस माइनस सात, इसका आंसर। ये दोस्तों आपको ये समझाने वास्ते इतना किए कि फॉर्मूला हुआ तो ये कैसे हुआ, ये सेट कैसे हुआ, ऐसे आप डायरेक्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड वर्गमूल कर दीजिए, उधर उधर कोई भी संख्या रहे उसका जोड़ कर वर्गमूल कर दीजिए, उसका आंसर हो जाए, क्योंकि उसका यूज जो इस साइड आपको नहीं आएगा, उधर ही होगा, उधर ही आप उसका धरकर वर्गमूल कर दीजिए, जो आएगा वह आंसर ही आपका होगा, सिर्फ लेकिन वर्गमूल कीजिएगा आपका प्लस माइनस आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको आज का सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फाइव समझ में आया होगा। जो भी न्यू व्यूअर हैं आप पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड एवं पार्ट फोर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड ट्रिक भी दिए थे, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में, आप उस वीडियो को भी देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट आरम्भ कीजिए, हम जल्द ही रीजनिंग का भी क्लास आरम्भ करेंगे, और कुछ स्टूडेंट का कॉमेंट भी था कि सर सरलीकरण का आप भाषा पर आधारित क्वेश्चन बताएँ, हम भाषा पर भी आधारित क्वेश्चन बताएंगे, पहले आपका इस टाइप का ठीक कर रहे हैं तो भाषा पे भी आधारित चलेगा क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों ये सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट्स भी लिखिए, कमेंट्स लिखने से हम कमेंट्स पढ़ते हैं और कमेंट्स पढ़ने से ऊर्जा प्राप्त होती है कि आपका प्यार भरा कमेंट्स लिखा रहता है, और हम लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करें, तब तक के लिए सबों को प्यार भरा धन्यवाद, लॉकडाउन नियम का पालन करें दोस्तों, जय हिंद जय भारत।